सब कुछ आना जरूरी थोड़ी है, क्योंकि हमें 100% मार्क्स थोड़ी लाने हैं। बच्चे ला रहे हैं अलग चीज़ है, ले आते हैं, लेकिन आपको 100% लाने की जरूरत थोड़ी है। कट ऑफ कितनी जाती है, 110 नंबर है ना, जो जनरल के लिए है, क्वालिफाई के लिए 115 लगा लो। तो इस तरह से आपको कोशिश करना है कि 130 40 150 पे आप कॉन्फिडेंट हो, इतना मार्क्स एग्जाम में ले आओगे, है ना, तो उससे इजीली क्वालिफाई। तो उतनी तैयारी आपको करनी है। और एग्ज़ाम जो सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम है, 450 मार्क्स के पेपर आते हैं, उसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 200 मार्क्स के। अगर आप पूरा ऐड करोगे पूरे पेपर में जो है, जैसे यूनिट वन में कितने 20 क्वेश्चन है, 15 अटेम्प्ट करने होते हैं, यूनिट टू में कितने क्वेश्चन है, 40 में 25, और यूनिट थ्री में 60 में 20। तो इस तरह से अगर आप पूरा पेपर देखोगे आप ऐड करके, तो 450 मार्क्स के पेपर हैं टोटल, है ना, जो है यूनिट वन में। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आते हैं 20 क्वेश्चन, अटेम्प्ट करते हैं 15, और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के यहाँ पे है। और जो यूनिट टू है आपके पास, उसमें 40 क्वेश्चन है, 40 है ना, और इसमें अटेम्प्ट करते हैं 25 आपको, इसमें 3 मार्क्स के आई थी ना, 3 मार्क्स के हैं। और जो आपका सी पार्ट, पार्ट ए बी सी की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो सी पार्ट है उसमें 60 क्वेश्चन है, ईच है 4.75 के, अटेम्प्ट करने हैं आपको 20, है ना। सो ये है आपके पास। तो अगर आप इसको देखो, जैसे ये 30 हो गया, ये 75 हो गया, ये देख लीजिए जो भी बनेगा, ये टोटल मिलके कितना होगा, 200, ये है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ये हो गया, तो टोटल मिलके आपका ये 200 है। और यहाँ पे आप देखो, अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया 40, ये हो गया 120, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा, 295 टाइप का, देख लीजिए एक बार, नहीं एक मल्टीप्लाई करके देख लीजिए एक बार क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो एक बार क्या आता है। सो कहने का मतलब ये, अराउंड टोटल देखोगे तो अप्रॉक्स 450 मार्क्स का ये आएगा, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मेरा कहने का पर्पस ये है कि आपको जरूरी थोड़ी 450 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं, इसको और मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चंस क्या आया चैट में वो बता देता हूँ। तो आपको मेनली है ना, ये 200 में चाहिए आपको कितने मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए, 110, ये चीज़ है। एक बार ये बता दो कोई कितना आया मल्टीप्लाई किए तो। अच्छा ओके, स्पीक इन इंग्लिश, ओके ओके। सो एक्चुअली हाँ, वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, बट एक्चुअली हमारा टारगेट जनरली, हम लोग नॉर्थ इंडिया के हैं, तो हमने जो, जैसे मैं दिल्ली में रहा हूँ या हम लोग बिहार से मैं हूँ स्पेशली, तो ये हम नॉर्थ इंडिया वाले बच्चों को ज़्यादा टारगेट कर रहे थे। बट इफ यू आर फ्रॉम साउथ, तो मैं अक्सर ये साउथ वाले बच्चों के एक कोट बोलता हूँ कि आप हमारे यहाँ मैथ्स स्टैट्स तो सीखोगे, हिंदी आपको फ्री में सिखाएंगे हम, ठीक है ना। तो मैथ्स स्टैट्स के साथ हमारे यहाँ आप हिंदी फ्री में सीखोगे। तो बट एक्चुअली कुछ बच्चे हैं, इंग्लिश इज़ फाइन, आई थिंक इंग्लिश चल सकता है, लेकिन चूंकि आदत है हिंदी बोलने की, इसलिए हिंदी में ही मैं पढ़ाता हूँ, अदरवाइज वी कैन टीच इंग्लिश ऑल्सो। कितना हो गया, 285, ओके। तो देख लीजिए इसको ऐड करके कितना, ये टोटल कितना होता है, एग्जैक्ट कितना होता है, इसको एग्जैक्ट ऐड कीजिए। तो देखिए एग्जैक्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, एग्जैक्ट जो है 445 मार्क्स के पेपर है, इसमें आपके टोटल अटेम्प्ट करने हैं 200 मार्क्स के, और अगर आप 110 ले आते हो तो क्वालिफाई हो जाता है, 110 प्लस आउट ऑफ 200, तो ये एग्जाम है। तो आपको जरूरी थोड़ी कि 450 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं, आपको 200 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं। तो आप मेनली ये लोग टारगेट करते हैं कि आप अपने एरिया के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, जैसे आप यूनिट स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के हो तो आपको स्टैटिस्टिक्स एंड सो यू हैव टू अटेम्प्ट फ्रॉम यूनिट वन एंड यूनिट फोर, है ना। यूनिट वन इज लिनियर अलजेब्रा एंड रियासिस, तो वो आपको करना ही है, एंड देन स्टैटिस्टिक्स वो आपका अगर कोर एरिया, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में इतने आसान क्वेश्चंस नहीं आते, बट स्टिल इफ यू प्रैक्टिस, आप पीवाई को उस प्रैक्टिस करो। 100% किसी को नहीं आता, किसी को जरूरी थोड़ी है। जैसे मैं जब एग्जाम दिया था, मैं लास्ट टाइम जो पिछले बार एग्जाम दिया था 2019 में दिया था, 20 में जब कोविड चल रहा था, मैं मुंबई में था उस समय, हाँ 20 में जो 20 वाला एग्जाम डिले हुआ था, 2020 का जो याद है मुझे, आई थिंक मई जून वाला एग्जाम जाकर सेप्टेम्बर में हुआ था, उस दौरान दिया था मैंने, उसमें मेरे 130 मार्क्स थे, 50 रैंक था उस दौरान। उससे पहले मैंने 2017 में दिया था, 2016 में दिया था, 16-17 में, तब मेरे 132 रैंक थे उस दौरान, 100 मार्क्स था अप्रॉक्स। तो वैसा है, तो लाइक तो कहने का मतलब ये है, यू डोंट हैव टू नो एवरीथिंग, है ना, बट आप बेस्ट अपना ट्राई करो, हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे, हम जो हेल्प कर सकते हैं। मेरी डेली डाउट क्लास चलती है 11 से 12 रात को,
तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, आपके जो डाउट है आप डिस्कस करो, मैं खुद डाउट क्लास लेता हूँ 11 से 12 रात को। उसके अलावा हमारे पास 4-5 डाउट फैकल्टी मेरे अलावा है जो आपके ग्रुप में होंगे, अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा, तो वो लोग आपके डाउट के लिए हैं, जैसे पवन सर भी हैं और भी हमारे पास हैं, वैभव है उधर, योगेश सर, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं कराऊँ, तो 4-5 डाउट फैकल्टी को ग्रुप में आप क्वेश्चन भेजोगे वो आपको सॉल्यूशन भेजेंगे। तो ये है, मतलब अगर उनको आएगा तो, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ परफेक्ट कोई नहीं है, कोई फैकल्टी है इसका ये मतलब उनको सब कुछ आता है, कि वो भी कहीं ना कहीं सीख ही रहे हैं, है ना।